तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। पूरा जो गार्डन है ना उसको पूरे प्लांट से ही भर दिया, और आज एक ऐसा भी कॉर्नर नहीं है जिसमें मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ लगा सकूं। पता है आपको, इन प्लांट्स को भी ना म्यूजिक पसंद होता है। Right. आपने मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, तो वो मैं आपको ये सच दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट्स क्यों इतने हेल्दी हैं और क्यों इतने ग्रीन हैं। एक मैंने टावर बना रखा है पोर्चुलका का, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, मेरे गार्डन का जो लुक है वो इन्हेंस करता है, और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। एकदम से डायरेक्ट धूप नहीं मिलती है, दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 42-43 तक पहुंच गया है, तो इतनी गर्मी में ये जो प्लांट्स है कैसे सर्वाइव करे, कैसे हेल्दी हो। कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ आपको मेरे गार्डन में। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का 50% या कह सकती हूँ 70% आपको मेरे गार्डन में ही मिलेगा, क्योंकि मैं अपने घर की कबाड़ी वाली हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पीछे का व्यू देखकर समझ ही गए होंगे आप, आज हम आए हैं खूबसूरत से गार्डन में, और इस खूबसूरत से गार्डन के पीछे का राज है कविता। अब आप कहेंगे कि कविता इस गार्डन को कैसे खूबसूरत बना सकती है, तो जी हमारे साथ है जीती जागती कविता जी, जो इस गार्डन में हर रोज नई रचनाएं करती हैं और इस गार्डन को बेहद खूबसूरत बनाती हैं। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं कविता जी से और पूछते हैं इस गार्डन की खूबसूरती का राज। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बेहद खूबसूरत आपने गार्डन बना रखा है, हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। बिल्कुल मैम। मैम सबसे पहले तो आप मेरे गार्डन में आई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे गार्डन को इतना प्यारा सा कवर करने के लिए, और इस गार्डन की ब्यूटी बढ़ाई आपने। और मैं आपके दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। दोस्तों मैं हूँ कविता तिवारी और यूट्यूबर हूँ, और गार्डनिंग और सिंगिंग का शौक रखती हूँ। सिंगिंग मैं गार्डनिंग से पहले करती थी, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मुझे गार्डनिंग करते करते इतना ज़्यादा सुकून आने लग गया और इतना ज़्यादा मैं डूब गई इसमें कि मैंने ये देखिए पूरा जो गार्डन है ना उसको पूरे प्लांट से ही भर दिया, और आज एक ऐसा भी कॉर्नर नहीं है जिसमें मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ लगा सकूं। पूरे गार्डन में प्लांट्स ही प्लांट्स है। तो मैं यही बोलूंगी कि दोस्तों अगर आप आपकी लाइफ में, आजकल इतनी भागदौड़ वाली लाइफ है, लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है, सुकून बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून आए, थोड़ा सा हैप्पीनेस लाए, खुशी आए, तो आप अपने गार्डन में प्लांट्स जरूर ऐड कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लांट्स में जो एक एनर्जी होती है ना, एक जो वाइब्स होती है ना, वो आपके गार्डन में, आपके घर को और आपके खुद के नेचर को बिल्कुल चेंज कर देगी। तो मैम इस वीडियो में हम आपके इस खूबसूरत से गार्डन को तो देखने वाले हैं, लेकिन आपने परिचय में बताया कि आप संगीत के भी शौकीन हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप गार्डन विजिट कराने से पहले हमें एक गाना ज़रूर सुनाएं, हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ मैं कुछ लाइनें जो हैं वो इस नेचर से रिलेटेड है और नेचर को ही कनेक्ट करती हैं, तो मैं अपने व्यूवर्स को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। हो तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत
इस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर, सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शीश कर। थैंक यू सो मच। वाओ, कितनी खूबसूरत आवाज़ है मैम आपकी। तो गार्डन तो बेशक ये खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने। मैम एक चीज़ और बताऊंगी कि मैं ना ये सिंगिंग करते करते शाम को अपने गार्डन के में जो टाइम स्पेंड करती हूँ, जैसा कि मैंने सुना है कि पता है आपको इन प्लांट्स को भी ना म्यूज़िक पसंद होता है। Right. आपने मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, तो वो मैं आपको ये सच दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट्स क्यों इतने हेल्दी हैं और क्यों इतने ग्रीन हैं। ये एक ऐसा लॉजिक है क्योंकि मैं शाम को जब आती हूँ ना अपने गार्डन में, तो धीमा धीमा म्यूज़िक सुनती भी हूँ और इनको भी सुनाती हूँ, तो मेरे गार्डन की जो ब्यूटी का राज है वो ये म्यूज़िक है। हाँ, तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए जो कि इनको म्यूज़िक सुनाइए, बिल्कुल हल्का हल्का प्यारा प्यारा धीमा धीमा। सुरमई कविता जी के जो गार्डन है वो बहुत अच्छा होने वाला है, ये हम उनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कविता जी, हम चाहेंगे कि आप अपने गार्डन का अब हमें विजिट कराएं। बिल्कुल मैम। सबसे पहले मैम, जहाँ जिस एरिया में आप बैठे हैं ये भी मेरा बहुत प्यारा सा एरिया है। यहाँ पे हम शाम को जो है ना चाय वगैरह पीते हैं, जो कि फ्रेंड्स वगैरह मेरी आती हैं, तो मैंने यहाँ बैठने के लिए एक मैट बिछा रखी है जिसे आर्टिफिशियल मैट कहते हैं। तो ये इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं नीचे, जिससे कि जो पानी ऊपर से अगर आए, जैसे आप कहेंगे कि बरसात में मैम आपके यहाँ पर पानी आ जाता है तो कैसे आप मेंटेन करके रखती हैं, तो जो पानी है ना वो नीचे से निकल भी जाता है इसमें, क्योंकि होल होते हैं। और मैं इसको टाइमली कुछ कुछ टाइम बाद ना इसमें पानी वगैरह से वॉश कर देती हूँ, थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल के ऐसा करके कुछ। इससे क्या होता है, ये वॉश भी हो जाती है, साफ हो जाती है, तो इस तरीके से मैं इसको मेंटेन करके रखती हूँ। तो ये पोर्शन जो है मैंने बैठने के लिए बना रखा है, और यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। ये देखिए आप, ये एक मैंने टावर बना रखा है पॉर्चुलका का, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, मेरे गार्डन का जो लुक है वो इन्हेंस करता है, और इसे बनाना भी बहुत ही ईजी है। तो मैंने अपने DIY में बताऊंगी इसको, नेक्स्ट DIY में जो मेरी वीडियो आएगी तो उसमें मैं एक एक DIY के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, तो उसमें इस DIY के बारे में आप नॉलेज लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछिएगा। फर्स्ट देखिए दोस्तों, ये मैंने केल का प्लांट लगा रखा है, ये भी मैंने अपनी किसी फ्रेंड से ऐसी ही एक टहनी ली थी, एक ब्रांच ली थी, और देखिए कितना प्यारा इतना घना हो गया है। नेक्स्ट है हमारा लेंटाना का प्लांट। लेंटाना में देखिए कितने छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं बंचेज में। ये देखिए इसका सिंगल कलर है येलो, और ये देखिए इसके मल्टी शेड है, ऑरेंज और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसे ना पेट से दूर रखिए, कहते हैं कि ये थोड़ा सा विषैला टाइप का होता है, तो अगर इसका पॉइजन वगैरह आपके अगर घर में पैट्स वगैरह हैं, अगर वो खा लें तो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो अगर जिनके घर में पैट्स हैं और वो थोड़ा प्लांट्स में ऐसे खाते पीते हैं, तो उन्हें प्लीज़ इनसे थोड़ा सा दूर रखिए। तो ये है लेंटाना प्लांट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है गर्मियों का, तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मनी प्लांट, आप देख रहे हैं ये कितना ग्रीन और कितना ज़्यादा बुशी है, तो इसका राज मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें देती हूँ टी फर्टिलाइज़र। टी फर्टिलाइज़र ऐसा जो कि आप यूज़ टी होती है अपने घर में जो आप यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से सुखा के सनलाइट में, उसे आप सुखाने के बाद अपने प्लांट की गुड़ाई कीजिए, और एक एक दो दो मुट्ठी जितनी हो, ऑर्गेनिक चीज़ है तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं है, तो उसे आप अपने प्लांट में डालिए, तो आपकी जो लीव्स है ना देखिए कितनी अच्छी ग्रीन और कितना बुशी प्लांट है। नेक्स्ट है आपका नींबू का प्लांट, आप इसमें देखेंगे देखिए नींबू आ रहे हैं छोटे छोटे, तो ये देखिए इस टाइप से मैंने ये प्लांट लिखा था, ये ग्राफ्टेड प्लांट है। तो जब भी आप कोई प्लांट लेना तो सिंपल आप देखिए कि उसमें अगर नींबू लगे हुए हैं तभी उस प्लांट को लीजिए, या आप ग्राफ्टेड प्लांट ले या एयर लेयरिंग प्लांट लेना तो उसी में ही जो है नींबू वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छे से इसमें नींबू आएंगे अगर हम इसको फुल सनलाइट में रखेंगे, तो इस तरीके से आप प्लांट जब लें तो ध्यान दें। नेक्स्ट है दोस्तों ये चंपा का प्लांट, आपने देखा होगा ये रोड साइड होते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, इसमें खुशबू भी आती है, बहुत अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये बुगनवेलिया, तो देखिए इसमें मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, ये पिंक कलर है, और ये देखिए इसमें वाइट कलर भी है, और ये येलो कलर भी है। बुगनवेलिया बेस्ट प्लांट है समर्स का, और इतनी ये एक वाइन भी है, आप इसको अगर सहारे से चढ़ाएंगे ना तो आपके गेट को आप कवर कर सकते हैं, या किसी छत के उसमें चढ़ा सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और केयर भी बहुत कम मांगता है, इसे बस पानी की जो नीड है ना वो कम होती है, आप इसे 3 से 4 दिन में पानी दीजिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और आपका ये है टिकोमा का प्लांट, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं दोस्तों, इस टाइम आप
जो फूलों की जो कमी थोड़ा देख रहे होंगे क्योंकि बरसातों का टाइम है, और मैंने जो इम्प्लांट्स की है ना थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर दी है, और ट्रिमिंग करते ही जो है फ्लावर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए इसमें फ्लावर्स नहीं है, नहीं तो इसमें ऑरेंज कलर के इतने सारे फ्लावर्स आते हैं आप गिनती नहीं कर पाएंगे, बंचेस में फ्लावर्स आते हैं। ये है टेकोमा प्लांट और ये है आपका कनेर का प्लांट। आप देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, और इसमें आप देखिए बंचेस में कितने सारे फ्लावर्स आ रखे हैं पिंक कलर के, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप येलो ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, गर्मियों का प्लांट है, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट है आपका दोस्तों गुड़हल का प्लांट, और गुड़हल का प्लांट ये मेरा 2 साल पुराना गुड़हल का प्लांट है, और आप देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी हो गया है। आप ये देखिए इसकी जो टहनी है, और ये देखिए मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र है ना वो मैं देती हूँ इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र। अनियन पील फर्टिलाइज़र जो है ना आपके गुड़हल प्लांट के लिए वरदान होता है, इसको बहुत पसंद है अनियन पील फर्टिलाइज़र। तो ये जो है ना फ्लावर्स का साइज़ भी बड़ा कर देगा, और बहुत ही ज़्यादा जो फ्लावर्स है उसमें काउंटिंग में बहुत ही फ्लावर्स आएंगे। नेक्स्ट है आपका डहेलिया का प्लांट, इसमें देखिए विंटर्स का प्लांट है, अभी भी इसमें बर्ड्स बन रही है, तो कहते हैं ना थोड़ी सी केयर करें ना तो आपके सर्दियों के प्लांट भी गर्मियों में भी बचेंगे। मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं इससे क्या होता है मेरे जो प्लांट्स हैं उनको जो प्रोटेक्शन मिलती है, एकदम से डायरेक्ट धूप नहीं मिलती है। दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 42-43 तक पहुँच गया है, तो इतनी गर्मी में ये जो प्लांट्स है कैसे सर्वाइव करे, कैसे हेल्दी हो, नहीं तो शाम तक क्या होता है ये सारे प्लांट्स बिल्कुल पीले पड़ जाते थे। लास्ट ईयर ऐसा कुछ था, तो इस बार मैंने इसमें ग्रीन नेट लगाई तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है इससे। नेक्स्ट है आपका मैक्सिकन पिटोनिया, ये देखिए इसका ब्लू कलर की वैरायटी है, और ये इसकी पिंक कलर की वैरायटी है मैक्सिकन पिटोनिया की। ये देखिए बंचेस में कितने सारे फ्लावर्स आते हैं इसमें, मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में ये जो फ्लावर है वो मुरझा के गिर जाते हैं, तो ये भी गर्मियों का बहुत ही प्यारा फूल है। और दोस्तों अब अगर आप बैक में देखेंगे तो ये देखिए मैंने बास्केट्स लगा रखी हैं अपने गार्डन में ऊपर हैंग करके। अगर आपके गार्डन में थोड़ा सा स्पेस की कमी है, या आपको बैल्कनी वगैरह मिल रखी है और वहाँ पे स्पेस की कमी है, तो आप इस तरीके से अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं बास्केट से, क्योंकि बास्केट्स जो होती है ना वो दूर दूर तक दिखती है और आपके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाती है। तो जो लोग नहीं भी देख पाते ना आपके प्लांट्स को, वो भी इतनी दूर से देख के बोलते हैं कि हाँ यार वाकई में क्या गार्डन बना रखा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जी एक चीज़ में भी पूछना चाहूंगी, आपने जैसे बास्केट के बारे में बोला बहुत सुंदर लग रहे हैं सबसे पहले तो, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे लोगों को लगता है कि ये रिस्की हो सकता है कि आप ऊपर टांग रहे हैं इनको लगा रहे हैं, हवा तेज आई तो ये सिर पर न गिर जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मैंने ना एक तो पहले मैंने फ्रेमिंग करवा रखी है, ये सब वेल्डिंग का काम है तो मजबूत काम ही होता है, और अगर आप दीवार पर भी लगाना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा ड्रिल की हेल्प से लगाइए, क्योंकि ड्रिल का काम जो होता है ना मजबूत होता है, ये नहीं कि आप अपने हाथ कील ठोक के और अपने हाथ से ही लगा रहे हैं, तो वो जो होता है ना वो थोड़ा सा ऐसा ही काम होता है। क्यों ऐसे रिस्क लेने हैं कि बाद में किसी को प्रॉब्लम हो आपकी गार्डनिंग से, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। गार्डनिंग का शौक रखना है और पूरे जुनून के साथ रखना है, मगर किसी को परेशानी ना हो ध्यान में रखते हुए करना है। नेक्स्ट देखिए आप, ये है गोरी चोरी का प्लांट, येलो कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, अभी मैं कह रही हूँ दिख नहीं रहे क्योंकि मैंने सबकी प्रूनिंग कर रखी है। तो ये देखिए इस टाइम जो है ना आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बेस्ट टाइम है मानसून, तो ये प्लांट भी लगाइए। ये भी अगेन केल का प्लांट है, केल की दूसरी वेराइटी है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। आप इसके लीव्स देखिए कितने प्यारे हैं, डबल शेड में लीव्स हैं, और ये देखिए फ्लावर्स के ना बर्ड्स बन रहे हैं, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, मेरी तो किसी फ्रेंड ने दिया था, तो मैं जो है ना शेयरिंग भी करती हूँ अपने प्लांट्स की। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स लाई और जो प्लांट्स मेरे पास नहीं होते वो आगे जो है वो शेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये जो प्लांट है ये है कैलेडियम, कितना खूबसूरत प्लांट है, एलिफेंट के ईयर की तरह इसकी लीव्स हैं, आप देखिए कितनी खूबसूरत है। इसे बस क्या चाहिए दोस्तों, इसे चाहिए फिल्टर्ड लाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, तो इसको इसी टाइप की जो लाइट की रिक्वायरमेंट है आप इसे फिल्टर्ड लाइट दीजिए, जिसकी मिट्टी है वो मॉइस्ट रखिए। ये आपको ऐसे ही ग्रीनरी ग्रीनरी, और अगर आपके घर में फूलों की कमी है तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। मैम ये 2 डक लगा रखे हैं मैंने, और कहते हैं ना कि मोर पंखी जो है वो जोड़े में लगाई जाती है, तो इन दोनों डक में ना मैंने मोर पंखी लगा रखी है, और आप देखिए कितने ब्यूटी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, क्योंकि अपना ये मोर की तरह लुक क्रिएट करता है। ऐसे ही मैंने थोड़ा सा ये जो आटे जो डेकोरेटिव आइटम होते हैं ये खरगोश वगैरह ऐड कर रखे हैं, ये स्टोन्स वगैरह से मैंने लेडी बग वगैरह बना रखे हैं, और ये आप एक आंटी जी देख लीजिए ये भी मेरा एक क्राफ्ट है। तो इस तरीके से मैं अपने गार्डन में छोटे छोटे चीज़ों से अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हूँ।
नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए आप, मिक्कू जी हैं, इनका नाम मैंने मिक्कू जी रखा हुआ है। ये ऐसी टंगे रहते हैं और बरसातों में खूब नहाया धोया इन्होंने और मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर लगते हैं। एंड जैसे ही मैं आती हूँ ना तो ये मेरे से बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हम गार्डन को एक सजीव टाइप का बना सकते हैं जिससे कि आप उनसे बात कर सकें। तो मैं कहती हूँ ना कि इस गार्डन में मुझे सुकून मिलता है, तो ये सब चीज़ें ना मुझे सुकून देती हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप देखेंगे, ये देखिए खूबसूरत से चाइनीज संतरे देख रहे हैं आप, कितने सारे लदे हुए हैं मेरे पेड़ में। तो ये मेरा जो पोर्शन है वो ऐसा है। और ये देखिए दोस्तों सुखशांति का प्लांट है, आप देखेंगे सुखशांति का प्लांट है और इसकी शेप देखिए कैसे बॉल की तरह मैंने इसको क्रिएट कर रखा है। तो मैं इसकी जो है ना प्रूनिंग करती रहती हूँ जिससे कि ये जो प्लांट है ना अपनी शेप जो है इतनी प्यारी सी बनाए। तो आप इस तरीके से अगर प्रूनिंग करेंगे ना तो आपके प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छी शेप जो है डेवलप करेंगे। ये है ड्रेसिना का प्लांट और देखिए दोस्तों उसकी लीव्स देख रहे हैं पर्पल कलर की, कितनी खूबसूरत लीव्स है। और ये प्लांट भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, आप इस टाइम बारिशों में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस प्लांट को। यहाँ से इसको कट कीजिए और इसके नोड एरिए से आप इसमें रूटिंग हारमोनिया नॉर्मल भी आप रेतीली सैंड में डाल के और इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट जो है ये आपका डिवाइड मेथड से या कटिंग मेथड से अलग हो सकता है। दोस्तों एक ये वॉल है मेरी जो कि बहुत ही प्यारी है और इसमें भी मैंने कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा रखी है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने ये जो है ना बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उनसे मैंने ये DIY बनाया है। इसमें लगाए हैं पोर्चुलका का प्लांट, तो अभी ये जैसे मैंने कल परसों ही लगाया तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, मगर जैसे ही इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और ये बहुत ही खूबसूरत DIY बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे प्लांट्स लगा रखे हैं जहाँ इनको सेमी शेड मिले और धूप बहुत ज़्यादा ना मिले। तो ये देखिए दोस्तों इसमें मैंने लगा रखा है क्रिसमस का प्लांट, ये लगा रखा है सिंगोनियम का प्लांट और आप देखिए कितने ग्रीन हो रखे हैं क्योंकि इनको जो है ना हल्की सनलाइट मिल रही है। अगर आप इसको तेज सनलाइट में रखेंगे, फुल धूप में रखेंगे तो जो इसकी लीव्स है वो बर्न होने लग जाएगी। और ये देखिए ये भी एक DIY है, ये इसको मैं ऐसी मैंने अपराजिता का जो प्लांट है उससे DIY बना रखा है। ये भी बहुत ही सुंदर DIY है मेरे गार्डन का। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती हूँ। अच्छा और ये देखिए दोस्तों ओवरऑल जो लुक है ना इस वॉल का वो इतना प्यारा सा है। इसमें मैंने ऊपर बास्केट्स लगा रखी है, देखिए दोस्तों ये भी मैंने कुछ बास्केट्स लगा रखी हैं इस साइड भी। तो पूरे गार्डन में ना मैंने बास्केट्स वगैरह लगा रखी हैं ताकि जो दूर से है ना लोग देखें और इनको देख के ही समझ जाएं कि हाँ गार्डन ऑफ कविता का गार्डन है और भागे भागे मेरे गार्डन में आए, तो ऐसा कुछ करने की कोशिश की हुई है। तो ये भी कुछ हैगा मेरा DIY, ये देखिए आपने। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी क्राफ्ट स्पेशल वीडियो होगी ना उसमें मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया, कौन सा पेंट यूज़ करा, तो वो वीडियो भी आगे आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से मैं ये देखिए, अच्छा एक चीज़ आप और देखिए, ये मैंने बना रखा है ये घोंसला टाइप का जिसमें चिड़िया वगैरह अपने अंडे दें। और ये देखिए इतना प्यारा सा जो आप नारियल पानी पीते हैं ना उसको कट करके और उसमें मैंने इनका अरेंजमेंट कर रखा है बैठने का ताकि मेरे गार्डन में जो है ना बर्ड्स का भी साउंड वगैरह आती रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मॉर्निंग में आती हूँ उनके प्यारी प्यारी सी कोयल जैसी आवाज़ें सुन के और बहुत ही अच्छा फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और दोस्तों ये आप देखेंगे ये है मेरे गार्डन का एंट्री गेट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इसको कहते हैं टोल टैक्स गेट। तो नाम का टोल टैक्स है, मैं इसमें कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ। तो आप यहाँ से आइए और बहुत ही प्यारा लुक देता है ये। इस साइड मैंने एलमंडा की बेल लगा रखी है, इस साइड मैंने गिलोय की बेल लगा रखी है। तो ये मेरा कंप्लीट जो है ना गेट लगभग बन चुका है, जो वाइन है वो प्रॉपर मिक्स हो गई है। तो अब जैसे ही ये भरेगी और इसमें फ्लावरिंग वगैरह बहुत अच्छे से होगी तो जो ये गेट है वो बहुत ही अच्छी ब्यूटी क्रिएट करेगा। तो ये पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया है मैम कि ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप ये भी देखिए, मैंने ना नारियल पानी जिसको आप नारियल पानी जो पीते हैं उनसे मैंने ये प्यारे से इमोजीज बना रखे हैं, तो इनको भी मैंने वेस्ट नहीं किया हुआ है। इसमें मैंने स्माइलीज वगैरह कुछ हार्ट की शेप है। ये दोस्तों इस टाइप से ना आप थोड़ा बहुत गूगल वगैरह या यूट्यूब वगैरह से हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ की। और पहले आप पेन पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद पेंट का यूज़ कीजिए, इनेमल पेंट यूज़ कीजिए। और बाकी बहुत ज़्यादा जानकारी मैं इस वीडियो में आपको नहीं दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्राफ्ट के बारे में आपको डिटेल में वीडियो बताऊंगी। तो इस तरीके से आप देखिए चश्मिश बाबू और स्माइली फेस सारे फेसेस हैंगे, तो आप इन्हें भी क्यों वेस्ट करें और इनसे भी हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिएट कर सकते हैं DIY। कविता जी एक ये पोर्शन हम यहाँ देख रहे हैं बेहद खूबसूरत है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी के बहुत से नमूने हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसको भी एक बार एक्सप्लेन करें। बिल्कुल मैम, ये एक्चुअली मेरा जो है ना सेल्फी कॉर्नर कह सकती हूँ मैं इसको। दिवाली में मैंने इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, इसमें लाइटिंग वगैरह भी लगा रखी है। अगर आप नाइट में आते शूट में तो मैं आपको अपनी लाइटिंग भी दिखाती। तो ऐसे ऐसे कॉर्नर्स हैं ना मेरे गार्डन में जो कि मेरे गार्डन में आप सेल्फीज लीजिए या वैसे भी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ फोटोज़ वगैरह क्लिक कीजिए,
बहुत अच्छा। तो ये दोस्तों मैंने ना एक हेज टाइप का बना रखा है, आप देख रहे हैं, इसमें मैंने मधुकामिनी और कोचिया का कॉम्बिनेशन देखे, देखिए कोचिया मधुकामिनी, कोचिया मधुकामिनी, कोचिया। जब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे ना, अभी इसको 15-20 दिन ही हुए हैं तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है और इसमें अपनी फ्लावरिंग नहीं हुई है, टाइम टू टाइम जैसा कि अब बरसातों का टाइम है तो अब ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ होगी। अब देखिए इसमें बर्ड्स भी बनने लग गए हैं, तो ये जो अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी ना तो इनका जो मैचअप है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मैंने हेज टाइप का बना रखा है, ऐसा आप अपने गार्डन में क्रिएट कर सकते हैं और ये कुछ हैंगिंग प्लांटर लगा सकते हैं जो कि स्पेस नहीं घेरते हैं और आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुक देते हैं। और आप ये देखिए मैंने अपने चैनल का नाम भी, ये देखिए आप देखेंगे ये मैंने केक के बेस से बना रखा है, गार्डन ऑफ कविता। तो ये भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस कॉर्नर्स के साथ एक कलर कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप से आप हैंगिंग जो प्लांटर है वो क्रिएट करके अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो ये पोर्शन आपने देख लिया, एक बार आप ओवरऑल लुक दिखा दीजिए मैम, तो कितना प्यारा लग रहा है। ये पोर्शन तो हमने देख लिया कविता जी। हाँ जी, और इसके साथ ही हम जानते हैं कि आप DIY के बारे में जो आप हमें बता रही थी कि जगह जगह पर आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखा रखी है जी। तो दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने एक पूरा पोर्शन क्रिएट कर रखा है जहां उन्होंने क्रिएटिविटी से बहुत डिफरेंट वेस्ट चीजों से अलग अलग चीजें बनाई हैं। तो हम जरूर चाहेंगे कि आज इस गार्डन की विजिट में आप हमें वहां वो पोर्शन भी दिखाएं। अब तो आप देखिए ये जो कॉर्नर है ना, आप देख सकते हैं वहां से लेके वहां तक का ये जो सारा मेरे DIY से ही बना हुआ है। मैं चाहती थी कि मैं जितने भी DIY बनाती हूँ ना उनको मैं एक साथ एक जगह पे देखूं, तो मैंने इस तरीके से स्टैंड को अरेंज करवाया और स्पेस की कमी थी क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो ये चीज है ना बहुत कम है, तो मैंने जो स्टैंड है ना उसको वॉल पे ही फिक्स करवा दिया ताकि जो है ना हमें मुझे स्पेस भी मिल जाए और जो मेरे DIY वगैरह है वो सुंदर दिखें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे देखिए इतने सारे ये बॉटल्स वगैरह के क्राफ्ट बना रखे हैं, आप ये देखिए। और ये देखिए मैंने इसमें अपना आपका यूफोर्बिया मिली वगैरह लगा रखे हैं, स्नेक प्लांट लगा रखे हैं, टेबल कामिनी। तो ये देखिए इसका जो फुल वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगी। और ये देखिए आंटी वगैरह, चश्मिश आंटी हो गई, तो बहुत से गुलाब जामुन के ये जो डब्बे हैं ये देखिए आप कितने प्यारे प्यारे से हैंगे। तो इस तरीके से मैंने इन DIY को बना रखा है। ये कोई केने वगैरह हैं जिससे कि मैंने ये स्वान बना रखे हैं। तो फूल देखिए आप इतने छोटे से कंटेनर में भी फ्लावरिंग हो रही है, तो सब लोगों का ये कहना होता है ना कि इतने छोटे कंटेनर में प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटे कंटेनर में या छोटे पॉट में जो है जो प्लांट ग्रोथ नहीं करता। अगर आप प्लांट को वो चीज़ जो उसको चाहिए वो दोगे, जिस चीज़ की इसको नीड है, तो वो ज़रूर ग्रोथ करेगा। थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखिए, थोड़ा सा उसमें अच्छी सी मिट्टी तैयार कीजिए तो वो प्लांट भी ग्रो करेगा। ये देखिए फूड कंटेनर, कितने प्यारे फूड कंटेनर हैं। तो मैं ना अपने गार्डन में कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। आपको मेरे गार्डन में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का 50% या कह सकती हूँ 70% आपको मेरे गार्डन में ही मिलेगा, क्योंकि मैं अपने घर की कबाड़ी वाली हूँ जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि जितना भी घर का कबाड़ा होता है ना वो सब यहाँ आपको मिलेगा। तो देखिए वो कबाड़ा था मगर ये कबाड़ा नहीं है, इन्हें मैंने बहुत ही अच्छा एक रूप दिया हुआ है और कोई कह नहीं सकता कि किस चीज़ से मैंने कौन सा DIY बनाया है। और ये देखिए दोस्तों कुछ ट्री गार्डनिंग का भी शौक है मुझे, तो ये देखिए कुछ तीज स्पेशल में मैंने ये झूला बना रखा है, ये मैंने गणेश चतुर्थी पे एक ये देखिए गणेश जी को विराजमान कराया है, ये कुछ बोनसाई लुक दे रखा है, कुछ गार्डन सा कुछ नेचर सा क्रिएट करा है। तो इस तरीके से मैं बनाती रहती हूँ। ये देखिए मैडक भी बना रखा है इतना प्यारा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से। तो ये छोटे छोटे आइटम्स जो हैं जिससे कि मैंने अपना जो DIY कॉर्नर है ना जो कि बहुत खूबसूरत बना रखा है, तो आप भी ऐसी चीज़ों का यूज़ करके अपने घर के वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके अपने गार्डन को ऐसे खूबसूरत बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने के कारण बाकी की वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में दिखाएंगे, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ये है मेरा टायर का क्राफ्ट है जो कि आपके घर में कार वगैरह, स्कूटी वगैरह या आप बाइक वगैरह होती है ना तो उनके टायर वगैरह आप वेस्ट हो जाते हैं, तो उनको हमने क्यों थ्रो करना है, क्यों कबाड़ी वाले को देना है, आप इस तरीके से यूज करें ग्रो बैग। तो आप ये देखिए ये मैंने घिया लगा रखी है, ये मैंने कुछ फ्राज बीन लगा रखी है, आप देखिए छोटी छोटी सी फ्राज बीन आ रखी है, ये मैंने पॉट में ही लगा दी है। तो ये घिया हो गई और ये भिंडी, कितनी लंबी भिंडी आ रखी है ये देखिए, तो भिंडी का भी मैंने पेड़ लगा रखा है। तो दोस्तों बरसातों का टाइम है, अगर आप कुछ कटिंग करना चाहते हैं, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो फटाफट से ये काम ज़रूर कर लीजिए और अपने गार्डन के काम निपटा लीजिए। ये टाइम बेस्ट है कि आप कटिंग से ग्रो करें, रिपोर्टिंग करें या सीड से कुछ ग्रो करना चाहते हैं।